तो जीप को आगे कर देते हैं क्योंकि ये रैली को इंडिकेट कर रही है जीप, और जीप के अंदर हमारा भारतीय तिरंगा भी लगा हुआ है और इधर से स्टार्ट करवा रहे हैं रैली को हरे झंडे के साथ। आप ज़रा पीछे का नज़ारा देखने की कोशिश करो, किस तरीके का नज़ारा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम एक्स राइड। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। ओके गाइस, तो रैली में जा रहा हूं आज मैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। प्रेस्टीज कॉलेज की कोई रैली है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक हमारे भाई हैं जिनके पास ZX10R बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वाला मॉडल है। वो साहब भाई भी साथ में हैं, तीन जने हैं हम लोग। और भाई इस बाइक के अंदर लगा हुआ है अभी एग्जॉस्ट, तो साउंड तो यार गज़ब आ रहा है। तो भाई प्रेस्टीज कॉलेज में आज रैली है इंदौर में और वहाँ पर हम लोगों को इनवाइट किया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में। पर यार एंजॉय कर रहा हूँ, इतने टाइम बाद ये व्लॉग में बना रहा हूँ, सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा सा बिजी था। और जैसा आप देख सकते हैं आज मॉर्निंग में ये राइड में कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। A few moments later. ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस रैली को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्रेस्टीज कॉलेज में। मैं आ चुका हूँ प्रेस्टीज इंदौर में और रैली काफ़ी बड़ी है। तो इन लोगों ने हमारी जो सुपर बाइक है, सुपर बाइक को सबसे पहले लगवा दिया है। अभी ये बोल के गए हैं कि जीप को आगे करना है, तो जीप को आगे कर देते हैं क्योंकि ये रैली को इंडिकेट कर रही है जीप, और जीप के अंदर हमारा भारतीय तिरंगा भी लगा हुआ है। तो ज़रूरी है कि जीप आगे रहे, उसके पीछे हम लोग रहेंगे। एक्चुअली मुझे सारे बच्चों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं सिंक्रोनाइज कर दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिएगा जैसे भी मैनेजमेंट जमाना है। बीच में आ जाऊँ? दो दो गाड़ी रहेगी हमारी, दो दो गाड़ी। ठीक है ठीक है, कुछ बता रहे हैं ये लोग कैसे मैनेज करना है इस रैली को। कहाँ मुझे किधर लेना है बता देना आप। ठीक है, आप देख सकते हैं गाइस रैली पूरा शूट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। प्रेस्टीज इंदौर से निकल रही है ये। फुल सिस्टम का साउंड सुना दिया भाई ने, अभी एरो लगा हुआ है, एरो फुल सिस्टम। इधर आप देख सकते हैं, इधर है हार्ले डेविडसन 750 स्ट्रीट और पीछे सारी छोटी मोटी बाइक्स हैं जैसे कि रॉयल एनफील्ड हो गई और जो भी ह्यूसंग इधर आपको दिख रही है 250। तो सबसे पहले इन लोगों ने जीप को रखा है फाइनली, क्योंकि उसमें भारतीय तिरंगा है और होना भी चाहिए उसको सबसे पहले। उसके बाद में इन्होंने हमारी सुपर बाइक्स को रखा है और फिर सारी रॉयल एनफील्ड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, इतने टाइम में मॉर्निंग राइड कर रहा हूं तो मुझे रियली बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हमेशा मैं जो राइड करता हूं ना वो शाम को करता हूं, ज़्यादातर व्लॉग्स मेरे शाम के बनते हैं, पर ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं मॉर्निंग में इतना जल्दी सुबह उठकर राइड पर आया हूँ, वो भी इस रैली के लिए। तो आप इन्जॉय करिए गाइज, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए सारे मोमेंट्स को कैप्चर करने की। एक बार आपको मैं पीछे का जो नज़ारा है वो दिखा देता हूँ। सो कितनी सारी यहाँ पर बाइक्स हैं, ये जो रैली निकाल रहे हैं ना ये इसलिए है कि ट्रैफिक नियमों का पालन हो। अब जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं लगभग सभी ने हेलमेट लगाया हुआ है, तो उसका मेन पर्पस यही है। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ट्रैफिक नियम का पालन किया है। आप अगर थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे वीडियो को तो आपको ZX10R का फुल सिस्टम एरो सुनने को मिल जाएगा। तो भाई ये जो रैली है ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए निकाली जा रही है कि ट्रैफिक नियमों का हम पालन करें। तो भाई सबसे पहला ट्रैफिक नियम तो ये कहता है कि फुल सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने, अरे ओ माय गॉड कितना ख़तरनाक साउंड है भाई। तो यहाँ पर एक नियम तो हमने वैसे ही तोड़ दिया। फिर रिस्पेक्ट करता हूँ इस रैली की कि मौका मिला इस रैली में आने का। ओके, अब तो यहाँ से फाइनली आगे बढ़ना है।
मतलब यार सुपर बाइक का कुछ तो फायदा मिलता है। हम लोग ने पीछे से ज्वाइन किया था पर इन लोगों ने हमको आगे कर दिया। सबसे पहले जीप के पीछे हमको रखा और बाकी सारी बाइक्स को हमारे पीछे रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सुपर बाइक्स की वजह से कुछ रिस्पेक्ट तो मिलती है। अच्छा लगता है ये देखकर कि सुपर बाइक्स की वजह से इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो अभी आप देख सकते हैं ओसाब भाई और ये ZX10R वाले भाई और मेरी हायाबुसा, हम तीनों इन लाइन एक लाइन में, और बाकी सारी बाइक्स जो है बैनली रॉयल एनफील्ड वो सब के सारी की सारी बाइक जो है वो पीछे की तरफ है और इधर से स्टार्ट करवा रहे हैं रैली को हरे झंडे के साथ। ओके, तो ये रैली चल पड़ी है। अभी देखते हैं ये रैली किस तरफ जाएगी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं, लेकिन इनविटेशन मुझे मिल चुका था तो लेट्स एंजॉय द राइड नाउ। फाइनली तो फाइनली रोड पर आ गए हम लोग। यार रैली इतनी स्लो चल रही है कि मुझे जो बाइक है ना ये क्लच दबाकर चलाना पड़ रही है, मैं क्लच छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मुझे यहाँ पर। मतलब पहला गियर तो छोड़ो, पहला गियर का भी आधा गियर पकड़ लो, मैं क्लच छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अभी जाके मैंने क्लच छोड़ा है, थोड़ी सी इन लोगों ने स्पीड बढ़ाई जीप की तब जाकर मैंने क्लच को छोड़ा है। थोड़ी स्पीड बढ़ गई है और अभी जाकर अच्छा लग रहा है। मेन रोड पर आ गए हैं, अब इन लोगों का एक रूट डिसाइड है। पता चलता अगर मैं हेलमेट लेकर नहीं आता तो रैली में ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स के फेवर में रैली निकाल रहे हैं। हर एक बंदा यहाँ पर हेलमेट लगाया हुआ है। पीछे जितनी भी बाइक्स आ रही है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे पास बैक कैमरा नहीं है, पर जितने भी पीछे बंदे ना सबने हेलमेट लगाया हुआ है। चलो बढ़िया तरीके से उन्होंने पकड़ लिया झंडा, कितना प्यारा लग रहा है यार। सुपर बाइक पर वो नेशनल फ्लैग को लहरा रहे हैं, सीरियसली देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो हमारे ओसाब भाई ने भी झंडा ले लिया है, मतलब लेने की तैयारी है, पर प्रॉब्लम ये है मुझे पता है ओसाब भाई अभी क्रूज़ कंट्रोल लगा नहीं पाएंगे क्योंकि इस बाइक में कम स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल अभी नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन स्लो हो जाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें उस हाथ में झंडा पकड़ना पड़ेगा। अरे यार दोनों झंडे इन लोगों ने ले लिए, अब मैं क्या लूँ। ओके गाइस, तो मेरी प्लानिंग है नेशनल फ्लैग को लेने की फाइनली। इधर से दो, इधर से। ओके, तो फाइनली गाइस देख सकते हैं आप नेशनल फ्लैग आ चुका है हाथ में। यार मज़े आ रहे हैं, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है नेशनल फ्लैग हाथ में सुपर बाइक पे हायाबुसा पे। गाइस एंजॉय कर रहा हूँ सीरियसली। ओके, तो फ्लैग मैंने फिर पीछे दे दिया है, पास ऑन कर रहे हैं फ्लैग को। यार ये तो यहाँ बर्नआउट मारने लग गए, गजब।
गाइस, तो एकदम से बाइक भगा ली है हम लोगों ने। आई डोंट नो व्हाई, पूछता हूँ मैं ऐसा क्यों किया। बहुत शानदार यार, सीरियसली गाड़ी का टेम्परेचर 100। भाई ये स्लो चला चला कर हुआ, ये बाइक इतनी स्लो थोड़ी चलती है गाइस। अगर पैदल रैली हो जाती तो अच्छा रहता, इतनी ज्यादा स्लो बाइक को चलाया, पूरी हीटअप हो गई बाइक, और इस चक्कर में बाइक को भगा लिया हम लोगों ने। एक नंबर यार। ये सुपर बाइक है ना, फास्ट गियर में इतना लंबा नहीं चलती है, इंजन हीट अप होता है जो कि गलत है। नारे लग रहे हैं भारत माता की जय के, पीछे बाइकर सभी भी आ रहे हैं, ये बढ़िया चीज है। जीप फिर आगे हो गई है फाइनली, मतलब रैली लंबी है यार। पर इस बाइक की तारीफ करना पड़ेगी, इसका कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि 36 डिग्री सेल्सियस अभी ये टेम्परेचर बता रहा है, और वो भाई बोल रहे थे कि उनकी निंजा ZX NR का 108 डिग्री हो गया, तो कहीं ना कहीं इस बाइक का कूलिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये बात तो मानना पड़ेगी, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है वो ZX NR का, तो कूलिंग सिस्टम इतना अच्छा परफेक्ट नहीं है उसका। ओके गाइस, मैं एक बार आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ, आप ज़रा पीछे का नज़ारा देखने की कोशिश करो किस तरीके का नज़ारा है। ओके, तो यहाँ पर रैली ख़त्म हो गई है फाइनली, कॉलेज के अंदर फिर से जा रहे हैं हम लोग। फाइनली कॉलेज में आ गए हैं और रैली यहां पर अब खत्म हो गई है। क्या साउंड मचा रहे हैं यार, हॉर्न ही हॉर्न बजा रहे हैं पीछे से बंदे ऑन। एक बार आपको पीछे का ओवरव्यू दिखाता हूं मैं, उसके लिए मुझे बाइक से उतरना पड़ेगा, एक बार ये लोग रुक जाएं तो मैं आपको पीछे का ओवरव्यू बताऊंगा। ये लोग बोल रहे हैं कि अब बाइक्स को बंद कर दो, लेकिन पीछे कोई मान नहीं रहा है। आप देखिए कितने सारे बंदे हैं यहाँ पर, रॉन्ग साइड में वाहन ना चलाएं या जानलेवा, इस तरह के कुछ बैनर्स लेकर ये लोग चल रहे थे ट्रैफिक रूल्स के फेवर में। फन कर ली पास में गाइज, एग्ज़ाम चल रही है इसलिए वो बोल रहे थे कि हॉर्न नहीं बजाना है। ओके भाई, तो स्पेशल बाइक्स को स्पेशल पार्किंग मिल रही है फाइनली। ओके गाइस, तो बाइक को यहाँ पार्क कर दिए और अब यहाँ से ऊपर जाना है, कुछ रिफ्रेशमेंट अरेंज किया है हम लोगों के लिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू प्रेस्टीज कॉलेज कि इतनी रिस्पेक्ट दी हम लोगों को। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस, तो फाइनली अंदर बुलाया, अंदर जा रहे हैं। A few moments later. Thank you so much for coming, sir. Thank you, sir.